गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। प्रथमे मुमरो गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज चरण कमल रे साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण तांकर हेतु की कृपा प्रार्थना करूछि। प्रिय आत्मन आजिकार आलोच्य प्रसंग होउछि श्री चैतन्य देव एवं अलारनाथ। वर्तमान जगन्नाथ महाप्रभु अनवसर लीला रे दर्शन करिवा पाई समस्त भक्त माने जानती अलारनाथ को। तेबे चैतन्य महाप्रभु सन्यास नेबा परे जगन्नाथ पुरी क्षेत्र रे थिले। 18 वर्ष काल जगन्नाथ पुरी क्षेत्र रे अछंती किंतु जगन्नाथ को नित्य दर्शन करूथिले एवं अनवसर समय रे अलारनाथ को जाऊथिले। तेबे अलारनाथ एवं चैतन्य महाप्रभु सहित संबंध कौन यही संबंध में आजिकार आलोच्य विषय। प्रिय आत्मन कलियुगरे भगवान ये जनमानस को कृपा करने दुईट रूप से प्रकट होती गोटे हूँ अर्चा अवतार अर्चा एवं आउ गोटे हूँ अवतार। जगन्नाथ महाप्रभु अर्चा विग्रह विग्रह माने विशेष रूप से ग्रहण करती भक्त द्वारा अर्पित निवेदित समस्त प्रकार श्रद्धाजुक्त वस्तु को भगवान प्रीतिर सहित ग्रहण करती। तेणु अर्चा विग्रह जिते जगत रे अच्छा समस्त भितर विशेष भाव प्रमुख एवं विशिष्ट अर्चा बहुचंती जगन्नाथ महाप्रभु जे राधा भावंकितम वस्त्रम नाना सुमन भूषणम राधा भावर विशेष वस्त्र को परिधान करती गीत गोविंद खंडुआ को एवं विशेष भाव रसानंद राधा सरस बपुरा लिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें राधा भाव विभावित राधाराणी द्वारा आलिंगित हो जे जगन्नाथ महाप्रभु पूरा सर्वांग शरीर पूर्णांग कलेवर होती गौरवर्ण मुखमंडल केवल कृष्णवर्ण अर्थात राधाराणी द्वारा आलिंगित कृष्ण जे रसानंद राधा सरस बपुरा लिंगन सुख राधाराणी द्वारा आलिंगित सुख को जे आस्वादन करने ये जगन्नाथ श्री विग्रह प्रकट होती जहाँ विजय विग्रह होती मदन मोहन। मदन मोहन किए कृष्ण होती मदन मोहन राधा अंगे जदा भाति तदा मदन मोहन नहले साक्षात केवल ही मदन। कृष्ण कंदर्प सदृश सुंदर किंतु राधाराणी सहित विराजमान हेले कोटि कोटि कंदर्प को मध्य मोहित कला भली सामर्थ्य सारूप्य प्रकाशित हुए तेनालीर नाम हूँ मदन मोहन। सज्जन ये हूँ अति प्रमुख अर्चा भगवान जो जगह से कहुए पुरी रे राति नाही कि कलिकतारे जाति नाही अर्थात एठी दिन चबिश रात्र अर्धमान ठारू भगवान कबाट पहुड़ जाती बेनी घड़ी थी कबाट खोली जाए दरवाजा खोली जाए आउ पूरा समय ठाकुर जी केतले मंगलारती तो पुणी गोपाल बल्लभ पुणी मध्यान्ह धूप स्वां धूप बड़ सिंगार सात आठ थर ठाकुर वस्त्र परिवर्तन करती मैल मुहंती एवं भोग लगी हूँ अर्तेव एठी बड़ा विशेष भाव रे चक्षु नाही किंतु विकच पद्मनेत्र बाहु नाही किंतु से बलियार भुज पाद नाही अपाणी पाद सीए किंतु धरणी पाद बोली नाम अच्छी सबकि स्वयं संपूर्ण परम ब्रह्म ही बड़ा विचित्र अद्भुत भाव रे कृपा करने विग्रह रूप से प्रकाशित होती किंतु चैतन्य महाप्रभु जे अवतार प्रच्छन्न अवतार छन्न कलौ प्रहलाद महाराज भाषा रे जे प्रच्छन्न अवतार रूप से प्रकट हेले राधा भाव द्युति सुभलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम राधाराणी भाव एवं राधाराणी कांति को नहीं जे कलियुगरे अवतार रूप से युग अवतार रूप से प्रकट हेले कृष्ण वर्णम तिशा कृष्णम सांग पांग सपार्षद यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती सुमेधस। कलियुगर अप्रच्छन्न अवतार रूप से जन्म नेले प्रकट हेले कलियुगरे अवतार रूप से जे होती चैतन्य महाप्रभु सी मध्य राधा भाव द्वारा विभावित सन्यास नेवापर नवदीप धाम रु माँ आदेश नीलाचल क्षेत्र में पदार्पण कले आठ बसती स्थापना रही किंतु
विचार होची ये गौण अर्थरे गौण कारण होची मांकर आदेश जगन्नाथ पुरी रे रहिवार किंतु विशेष कारण होची चैतन्य महाप्रभु राधा भाव रे विभावित हेतुवा हेतु कृष्ण विरह रे तापित तबे वृंदावन त जाईथले कृष्ण विरह ही लुप्त हे जाईथांदा किंतु ना राधा भाव रे विभावित हेतुवा हेतु विरह भाव को आस्वादन करिवार अछि तण जगन्नाथ पुरी क्षेत्र होची विप्रलंब क्षेत्र विरह क्षेत्र एटी कृष्ण द्वारिकाधीश हेले मध्य राधाराणीकर द्वारा विरह रे विभावित हे जे प्रगट हेचंदि जगन्नाथ महाप्रभु एवं स्वयं कृष्ण मध्य राधा भावे हैल प्रभु गौर अवतार कृष्ण रूपे राधा भावे हैल प्रभु गौर अवतार एबे राधा अर्ध अंगरे मिसी उदय होइल नदियावासी जे चैतन्य महाप्रभु से मध्य जग भय स्वयं कृष्ण हेले मध्य किंतु राधा भाव रे विभावित जणे होचंती अचल जगन्नाथ आ जणे होचंती सचल जगन्नाथ ये चैतन्य महाप्रभु भक्त भाव को अंगीकार करी राधा भाव रे विभावित हेले मध्य भक्त रूप रे प्रकट होचंती आ सन्यास लीला नेला परे जेते जगन्नाथ पुरी रे रहिले रहिवा समय रे नित्य तांकर लीला थिला प्रत्येक दिन समुद्र स्नान गदाधर पंडितंकर थारु भागवत श्रवण एवं हरिदासंकर दर्शन एवं हरिदासंक पई सेवा वैष्णव सेवा माने हरिदासंक पई महाप्रसाद आदि सेवन पदा अर्पण करथिले पठौथिले एते सब परे किंतु नित्य एक लीला महाप्रभुंकर थिला प्रत्येक दिन जगन्नाथ मंदिर को जाई श्री जगन्नाथ को दर्शन करथिले किंतु वर्षरे 15 दिन अनवसर लीला हुए जगन्नाथ कहाँ को दर्शन दियंतिनी आउ सेही समय रे जगन्नाथंकर दर्शन न पाई महाप्रभु अति विरह रे विप्रलंब भाव रे भावित हे गले विरह प्रज्वलित हला तण विरह को प्रशमित करिवा पई महाप्रभु अलारनाथ को गमन कले अनवसरे जगन्नाथ न पाई दर्शन विरहे अलारनाथ करिला गमन के अनवसर समय रे जगन्नाथ महाप्रभुंकर दर्शन न करी जगन्नाथंकर दर्शन न पाई रे विरह रे अत्यंत विहळ होई अलारनाथ को गले अलारनाथ को दर्शन करिवा पई किंतु एटी प्रश्न उठुची साक्षी गोपाल जहाँ कि अल्प से 20 किलोमीटर दूर किंतु अलारनाथ मध्य से 20 किलोमीटर दूर किंतु समान दूरता हेले महाप्रभु पे अनुकूल जे द्विविज मुरलीधर साक्षी गोपाल श्री विग्रह थिवा सत्वे मध्य भगवान चैतन्य महाप्रभु साक्षी गोपाल न जाई चतुर्भुजधारी नारायण जी एक नारायण को दर्शन करिया पई अलारनाथ काहीं गले एटि हमर गौड़ीय संप्रदायर आचार्य माने वैष्णव माने बड़ा विशेष लीला को प्रकाश करिचंती चैतन्य महाप्रभु अलारनाथ इतपई गले कि गोपीभा गोपीभा वे विरहे प्रभु व्याकुल होया अलारनाथे गेला प्रभु सबारे छाड़िया भगवान चैतन्य महाप्रभु दीटा भाव को आस्वादन करथिले गोटे होती राधाराणीकर भाव आउ बेले बेले गोपी भाव को मध्य आस्वादन करथिले गोपी भावर विरह को प्रशमित करिया पई सेई भाव रे व्याकुल हे अलारनाथ जाउथिले महाप्रभु समस्त को त्याग कर देई जे अलारनाथ को दर्शन करिया पई सज्जन ब्रह्मगिरी माने ब्रह्म पर्वत जो सेई पर्वत होचे चैतन्य महाप्रभु तांकु ब्रह्मगिरी पर्वत को अला गोवर्धन रूप रे तांकर स्फूर्ति होतला सर्वत्र होई तार इष्ट देवर स्फूर्ति भगवान चैतन्य महाप्रभु अलारनाथ को जाई ब्रह्मगिरी की गोवर्धन ज्ञान करथिले एवं मंदिर पछ पाकर थिबा सरोवर को कुंड को जे श्याम कुंड एवं ब्रह्म गौड़ीय मठ जो प्रतिष्ठा करिचंती सेई मठ भितरे आउ गोटे कुंड अछि जार नाम अछि राधा कुंड ए राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन कूल रे अवस्थित तटरे अवस्थित एवं ब्रह्मगिरी की गोवर्धन पर्वत एवं जो अलारनाथ को दर्शन करथिले चतुर्भुज धारी नारायण श्री विग्रह दर्शन करथिले गोपी भाव रे अर्थात ब्रज वृंदावन रे के विशेष लीला हेची जे बासंती रास जहाँ गीत गोविंद वर्णना हेचंती बासंती रास रे गोपी मानकर मदमत्तता को मद त्याग करिवा पई चैतन्य भगवान कृष्ण माधुर्यमय नंद किशोर वेणुकर सी कण कले अंतर ध्यान हेगले किंतु वृंदावन
रे कौनसी कुंजरे छपिगले बोली समस्त गोपी माने कृष्ण को खोजिबा पई अनुसंधान करिबा पई कुंज को कुंज गोवर्धन रे प्रमद प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे ते कुंज को कुंज खोजिबा को लागिले। देखिले गोटे कुंजरे भगवान कृष्ण निजे नारायण स्वरूप विराजमान अछंती चतुर्भुजरे शंख चक्र गदा पद्म धारण करी विराजमान अछंती। गोपी माने दर्शन करिबा परे प्रणाम कले एवं पचारले केवल जे नारायण आपण आमर कृष्ण को देखिछंती। प्रणाम करी सेने अन्य कुंज को पलै गले कृष्ण को खोजिबा उद्देश्य रे। किंतु परवर्ती पर्यायर जेतले राधारानी आसिकी पहुँचिले कृष्ण को दर्शन करिया परे कृष्णकर सामर्थ्य नाही। राधारानी ये होची वैशिष्ट्य राधारानी सम्मुखरे चतुर्भुज रूप से ठिया हो पारे तेणु दुईटी हाथ तांकर पेठा हो गला प्रवेश करिगला शरीर रे एवं आउ दुईटी हाथ रे शंख चक्र छाड़ी मुरली धारी हो गले वेणु कर हो गले। ये राधारानी विशेष महिमा किंतु अतएव राधाकृष्ण मिलन हला ये पेठार लीला अतएव गोपी भाव को आस्वादन करवा अवस्था रे चैतन्य महाप्रभु ये गोवर्धन रे ब्रह्मगिरी रूपक गोवर्धन पर्वत रे चतुर्भुजधारी नारायण को पेठार लीला को लीलार आविष्ट हो पेठार लीलार स्मरण रे जितने चतुर्भुजधारी नारायण को अलारनाथ को दर्शन कले महाप्रभु विरह भाव रे प्रज्वलित हो विरह भाव रे भावित हो साष्टांग प्रणाम कले जहाँ अन्यर भारतर अनेक प्रदेश रे चैतन्य महाप्रभुंकर पादपीठ विराजित जो जगार पत्थर तरली जाइछि एपरि जगन्नाथ मंदिर मध्ये आपण देखिबे कि तांकर पाद तरली जाइथिबा हेतु चरण कमलर दर्शन एबे मध्ये होछि चरण चैतन्य महाप्रभुंकर पादपीठ सेठि विद्यमान एवं दुई तीनोटी अंगुलीर निशान संकेत मध्ये अछि चिन्ह मध्ये अछि जहाँ पत्थर मध्ये तरली जाइथिला। किंतु अलारनाथ रे गोपी भाव रे विभावित हो जेतले चैतन्य महाप्रभु प्रणाम कले सेतले पूर्णांग पत्थर ही पूरा तरली गला तेणु सेठी मस्तकर चिन्ह आंठूर चिन्ह भगवान चरण कमलर चिन्ह बक्षस्थलर चिन्ह सब पत्थर तरली जाए से चिन्ह वर्तमान मध्य विद्यमान सेठी षडांग गौरांग महाप्रभुंकर विग्रह पर आचार्य माने स्थापित कले एवं ताकू समस्ते दर्शन करुछंती। आज मध्य आपण देखिबे से पत्थर विद्यमान अच्छी सज्जन शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद मध्य जेतले ब्रह्म गौड़ीय मठ से प्रतिष्ठा कले तेणु से जो विग्रह प्रतिष्ठा कले तार नामकरण मध्य देले श्री गांधर्विका गिरिधारी गौड़ीय नाथ एवं गोपी गोपीनाथ सतरे ये गोपी भाव रे विभावित हो चैतन्य महाप्रभु दर्शन करथिबा हेतु अलारनाथ को ये विग्रह मध्य से रूप से प्रतिष्ठा कले। सज्जन आउ गोटे कारण कहते अलारनाथ कहीं महाप्रभु जाऊले कहले छोट हरिदास को भगवान आचार्य घर को निमंत्रण थिला से दिन भिक्षा करने को महाप्रभु जीवे प्रसाद सेवन करिवे किंतु भल बासुमती चाउल आनिवापे भल सुंदर चाउल आनिवापे छोट हरिदास को पठाई थिले किंतु हरिदास आनिवा समय रे जेतले आनेई आसिले एवं महाप्रभु प्रसाद सेवा करिया से पचारले जे अर्ण चाउल कोठ आसी छोट हरिदास भगवान आचार्य कहले छोट हरिदास जाइथिले सेठ चाउल नहीं कि किंतु महाप्रभु अंतर्जामी छोट हरिदास भावना को बुझीते सेठी जड़े विधवा बसी थे युवती विधवा को भोग दृष्टि केवल दर्शन कर करदे बोली छोट हरिदास को महाप्रभु छोट हरिदास को रुष्ट हो गले। गंभीरा को प्रवेश कर गंभीर को फेरवा पर सेवक गोविंद को आदेश दे छोट हरिदास को आसवाप मना करदेव ए कथा जाणीपर छोट हरिदास तो मर्माहत हो गले एवं समस्त सेवक मैने भक्त माने महाप्रभु को निवेदन कले कि महाप्रभु छोट हरिदास को आपन टिके क्षमा कर दियंतु सी आपणकर पार्षद भूल कर देछे दादी क्षमा कर दियंतु किंतु महाप्रभु न छोड़ बंधा छोट हरिदास को तो भीतर तो कृपा कले किंतु बाह्यतः बिल्कुल परमिशन माने अनुमति देलेनी आसीबा पई दंड ही दंड प्रदान कले। तार कारण होची जे जगत रे शिक्षा प्रदान कले जे वैराग्यर वेश नहीं भोगवांछा कले महाप्रभु त्याग कर दियंती तेबे जहाँ हो महाप्रभु किंतु जेतले परमानंदपुरी महाप्रभु को आवेदन कले कले महाप्रभु आपण छोट हरिदास को क्षमा कर दियंतु तेबे महाप्रभु परमानंदपुरी को संभ्रम भाव रे देखुथिले गौरव बुद्धि रे देखुथिले कारण बड़ बोलिकी तेणु बात्सल्य भाव थिला परमानंदपुरी निकट रे तेणु चैतन्य महाप्रभु तेणु ताकू कहले जिते विरक्त करने विरक्ति होई महाप्रभु कहले
मोरे आज्ञा हय मुई जाऊँ अलारनाथ अकेले रहिव ताहा गोविंद मात्र साथ। हे परमानंद पुरी आपण मते आज्ञा करंतु एसो विषय शुणी मु सहन करी पारुनी मो अलारनाथ जीवी एकांतरे वास करिवी गोविंद केवल मोर साथीरे थिवो आउ किए मो संगरे रहिबा आवश्यक नुह। ये द्वितीय कारण महा चैतन्य महाप्रभु अलारनाथ जीवार। तृतीय कारण होची जेतेबेले भावानंद रायंकर पुओ गोपीनाथ पटनायक राष्ट्रर कर देइ नथिबा हेतु कौनसी कारण से अभियुक्त हेले तांको अभियुक्त हेबा परे करमुक्त कर राजा ठारू क्षमा करदे राजा को क्षमा प्रार्थ क्षमा करदे महाप्रभु जदि आदेश देवे प्रताप रुद्रदेव को तेज से क्षमा करदे तेणु भक्त मैंने निवेदन कले आपणकर भक्त आपणकर अनुगत गोपीनाथ पटनायक भवानंद राय रामानंद राय जीए काकाश्री ना कौन काकाश्री तेणु तांकर भावानंद रायंकर पुओ गोपीनाथ पटनायक को आपन टिके क्षमा कर दियंतु राजा को निवेदन करंतु। सेतेबेले महाप्रभु ये विमान लीला कले ये विरक्ति लीला प्रकाश कले कहले अलारनाथ जाई निश्चिंत रहिमु विषयर भाल मंद वार्ता न शुणिमु मे विषय मानकर किए राजा को कर देला न देला मो सन्यासी पक्षरे ये सब विषय वार्ता शुणा मो पक्षे उचित नुह तेणु मु वर्तमान निश्चिंत रही सेठी विषय मानकर भल मंद वार्ता को शुणवीनि तेरे अलारनाथे एवं सेठी की सेतेबेले जाइथिले। आउ गोटे कारण होची जेतेबेले नित्यानंद महाप्रभु सहित आदि समस्त भक्त मान सहित दक्षिण यात्रा करथिले जेतेबेले नित्यानंद प्रभु समस्त सहित अलारनाथ जाइथिले अलारनाथ रही कीर्तनर महारास करी नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु समस्त प्रकार प्रसाद निवेदन करथिले एवं परे नित्यानंद प्रभु दक्षिण यात्रा करिवा समय अलारनाथ रे अल्प किसी दिन से जगह थिले एवं जेतेबेले फेरिले दक्षिण भारत यात्रा करी दक्षिण भारत रे संकीर्तन रास एवं पतित पावन लीला करी जेतेबेले फेरिले अलारनाथ रे रही अलारनाथे आसी कृष्ण दासे पठाइले नित्यानंद आदि निज गणे बोलाइले नित्यानंद आदि निज गण मानकु पार्षद मानकु डकेई पठाइले अलारनाथ रे रही। अतएव ये अनेक अनेक कारण जेतेबेले गौड़ीय आचार्य श्रीमान भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद आसिले अलारनाथ को दर्शन करने को आसते से गोटे गौड़ीय मठ प्रतिष्ठा कले जड़े पूजारी से जगार थे से जो पूजारी थे घरे अलारनाथ स्वयं विग्रह थे छोट विग्रह सी से रातिर स्वप्नादेश कले प्रभुपाद जी मोठारू मुर सेवा ग्रहण करने को चाहूँगी मत मत अर्पण कर पूजारी आसी दीपर समय रे जेतले सेवकंकर इच्छा को स्वप्न आदेश दे कथा को व्यक्त कले भाव विहोल हो भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद क्रंदन करने को लगिले एवं से श्री विग्रह को आमर जो ब्रह्म गौड़ीय मठ प्रतिष्ठा कले से मठ प्रतिष्ठा कले सेवा पूजा वर्तमान अतएव ये अलारनाथ चतुर्भुजधारी नारायण है श्री विग्रह हेले समस्त गौड़ीय वैष्णव मानक अति आराध्य देव सेव्य जहाँकि राधा भाव में विभावित चैतन्य महाप्रभु मध्य स्थान में अनवसर समय पंदर दिन पूरा रहुले दर्शन करुले ताठार सारा जगत रे अलारनाथं प्रशस्ति विपुल भाव में प्रचार प्रसार है अनवसर समय समस्त भक्त मैंने दर्शन कर अलारनाथ कृपा पाइबा सहित जगन्नाथ समान कृपा को प्राप्त करताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय चैतन्य महाप्रभु की जय अलारनाथ देव की जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय निताई गौर प्रेमानंदे।